और साइकिल हम लोग का सिंबल, माननीय अखिलेश यादव जी का सिंबल है। तो हम लोग आज से संकल्प लेते हैं इसी तरह गांव गांव जाके समाजवादी पार्टी को हटाने का काम करेंगे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले चुनाव में सपा का क्या हाल होने वाला है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से एक बात तो साफ हो गई है कि सपा को सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी या कांग्रेस से नहीं बल्कि ऐसे कार्यकर्ताओं से है, क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं तो सपा के झंडा बरदार, लेकिन ये सपा को ही उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। वो कहते हैं ना कि छोटी सी कील लाखों रुपए की गाड़ी को पंचर कर सकती है, ठीक उसी तरह सपा के ये कार्यकर्ता अब खुद अखिलेश यादव पर भारी पड़ने लगे हैं। आज साइकिल रैली के माध्यम से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने का काम करेंगे और आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि अब जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से नहीं हटा देंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये मामला सुल्तानपुर के 189 विधानसभा क्षेत्र का है, जहां भावी सपा प्रत्याशी अरुण वर्मा ने 10 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने खूब मेहनत की, सड़क पर साइकिल चलाई और जमकर पसीना बहाया और इसी बीच वो मीडिया से मुखातिब हुए। पत्रकारों से बात करने में अरुण वर्मा इस कदर खो गए कि उनकी जबान फसल गई और वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए अरुण वर्मा ने साफ कहा कि वो गांव-गांव जाकर सपा को उखाड़ फेंकेंगे। और साइकिल हम लोग का सिंबल, माननीय अखिलेश यादव जी का सिंबल है, तो हम लोग आज से संकल्प लेते हैं इसी तरह गांव-गांव जाके समाजवादी पार्टी को हटाने का काम करेंगे। इस बात को सुनने के बाद लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव की कुर्सी हिल गई, लेकिन इसमें अरुण वर्मा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सियासत में जुबान फसलना भी आम बात है। ये खबर हमारे संवाददाता आलोक दुबे ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।